फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिष्टी इज वेल। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, वरना मेरी नई नई वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टेशनरी का फ्रेंड्स, तो चलिए बहुत मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा है प्यारा सा मिकी माउस वाला पेन स्टैंड, मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स। ये रेड कलर का है पूरा, उसके ब्लैक हेयर देखिए, सो क्यूट है ना। और ये मेरी शेडिंग पेंसिल देखिए, इसके अंदर रहती है, इससे मैं शेडिंग करती हूँ। ये बहुत क्यूट लगता है मुझे, रेड कलर का ये। और ये मेरे कंप्यूटर टेबल के ऊपर ही रहता है, मुझे बहुत सॉफ्ट है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए कितना प्यारा है मिकी माउस का, आपको भी प्यारा लगा ना तो कमेंट में लिख कर जरूर बताना। तो इसको यहाँ, ये मेरी टू नंबर का पेन स्टैंड है, देखिए कितना प्यारा है ना। इसका डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल है, देखिए मुझे बहुत पसंद है और वो ही ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, ये हमारा मार्कर लगा है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का हमारा मार्कर। और ये कुछ काफ़ी कुछ पेंस हैं जो मुझे होमवर्क या कुछ लाइन्स बनाने का काम आ जाते हैं। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और इसमें टाइप टाइप्स के हैं, ये ब्लू कलर के हैं, और ये बॉल पेन है, जेल पेन मेरे पास है। और ये मेरा ग्लिटर पेन है पर्पल कलर का, और ये भी पेन है 18 सेट वाले पेन, ये मेरे पेन्स हैं देखिए कितना प्यारा है। इसको रखते हैं। और ये हमारा बॉक्स देखिए, इसमें हमने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जिसमें हमने क्राफ्ट का सामान रखा था अपना, जैसे हेडफोन, ग्लू एंड क्या था, सीजर था और कुछ टेप्स थे, हमने सब रखा था। और ये देखिए इसकी डिज़ाइन कितनी ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए सेम डिज़ाइन कितना प्यारा है। और ये देखिए इसकी डिज़ाइन मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, और ये ब्राउन कलर का है, मुझे बहुत पसंद है। इसके अंदर मेरा चार्जर भी रहता है। सुनिए, क्या आपके पास भी ऐसे बॉक्स होने चाहिए? आप जैसे आपके पास कोई बॉक्स होगा खाली वाली, उसके अंदर आप अपना क्राफ्ट का सामान रख सकते हो, जैसे मैंने रखा है तो आपको रखना चाहिए वो ना। और ये मेरे कुछ स्टिकर्स हैं, और ये देखिए मैं आपको अपने स्टिकर्स दिखाती हूँ। सो क्यूट ना, देखिए कितने क्यूट है यूनिकॉर्न वाले। और मेरे पास टू स्टिकर्स हैं, देखिए ये मेरे पास फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे स्टिकर फ्रेंड्स। तो ये स्कूल के जो आपके कॉपी रहते हैं नोटबुक वगैरह, तो जैसे मेरे पास ना, मैं फोर्थ में चली गई हूँ, तो मैं ना उसके ऊपर आपकी जो बुक रहती है उसके ऊपर चिपका दें, उसके ऊपर रोल नंबर नेम और स्कूल का नाम लिख दें। देखिए यहाँ स्कूल भी लिखा हुआ है, बहुत नए स्टिकर्स, तो मुझे बहुत पसंद है यूनिकॉर्न की। तो आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, बहुत तरह के। अभी मैं आपको दिखाने वाली कुछ अपनी मेरी नोटबुक, ब्यूटीफुल है ना, मुझे बहुत पसंद है। मैंने डिज़ाइन वाली लिया तो सिंपल भी आती, मैंने डिज़ाइन वाली ली, मुझे बहुत पसंद डिज़ाइन वाली। तो चलिए इसको सो ब्यूटीफुल, ये भी एक नई नोटबुक है, ये सबसे ज़्यादा पसंद मुझे, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगती है मुझे ये नोटबुक है। देखिए और से एक प्यारी सी गोल्ड है, देखिए इसकी स्टोरी भी बनी है रिटल हैरी वुड के नाम से, तो मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने वहाँ पे थी तो मैंने ये ले ली। आप चाहे तो सिंपल भी ले सकते हैं, सिंपल में मिलती है स्टेशनरी में। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत पसंद है कार्टून वाले बुक्स, नोटबुक्स मतलब, तो आप भी ले सकते हो सिंपल वाले अगर आपको पसंद नहीं हो, तो मुझे कार्टून वाली ज़्यादा पसंद, इसलिए मैंने कार्टून। तो चलिए दूसरा है, कितना प्यारा देखिए, मैं इसे लिखती हूँ डेली का जो होमवर्क रहता है मेरा, तो मैं इसी से करती हूँ। बाकी जो मैंने आपको वो पेंस दिखाए थे उससे भी लेती हूँ, मुझे ये ज़्यादा पसंद है, देखिए कितना क्यूट है। तो ये वाइट कलर का देखिए, ये मैं स्केच पेंस, तो इसको ओपन करते मुझे वेट नहीं हो रहा है। स्केच पेन दिखने में कुछ ऐसे दिखते हैं, देखिए
तो इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, तो इसमें 24 शेड्स हैं देखिए। तो चलिए कुछ ट्राई करते हैं। शेड्स से बहुत सारे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितने शेड्स हैं इसके। इसके 3 येलो शेड्स हैं, 3 ऑरेंज शेड्स हैं, इन 4 शेड्स हैं पिंक, एंड ये 3 शेड्स पर्पल हैं, एंड 3 शेड्स ब्लू, इन 3 शेड्स भी ग्रीन ही है, एंड ये ब्राउन है और ब्लैक। दो देखिए हमारे पेंसिल कलर्स हैं, इस पे ग्रिप बनी हुई है, तो जो आपका हाथ है वो फिसलेगा नहीं, स्लिप नहीं होगा। तो आप लिखते लिखते कभी कभी हाथ स्लिप हो जाता है, तो इससे हाथ स्लिप नहीं होगा ग्रिप से। तो ये बहुत अच्छी ग्रिप है और ये पेंसिल बहुत अच्छी देखी, ब्लू कलर की है, डार्क ब्लू कलर की। मैं आपको सब दिखाती हूँ कितने कलर है इसमें टोटल। चलिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें फ्रेंड्स टोटल 12 शेड्स हैं। देखिए मेरा कंपॉक्स पेंसिल है कितना क्यूट है, मतलब फ्लावर लगता है मुझे पीपल का। देखिए यहाँ पे शॉर्पनर है, इसको ओपन करके मैं दिखाती हूँ कि कैसा है शॉर्पनर। तो यहाँ 2 होल दिए गए हैं जिसमें जो बिग पेंसिल रहती है, जो मोटी रहती है वो यहाँ कर सकते हैं, और जो थोड़ी छोटी रहती है वो यहाँ कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हो कि हम जो यहाँ से कचरे से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से ओपन करके आप निकाल सकते हो, डस्टबिन में डाल सकते हो। मैं पूरा कंपॉक्स देखिए, इस पे है स्नो वाइट, बेला और सोचिए, ये तो मेन है। सोचिए सोचिए, नहीं पता, चलिए मैं बताती हूँ। ये है सिंड्रेला, आपको तो पता ही होगी, अब याद हो गया होगा। तो देखिए कितना प्यारा, यहाँ एक रेजर दिया गया देखिए, जिसपे रोज है और सिंड्रेला है, कितना प्यारा रेजर, मुझे बहुत पसंद आया। प्लीज फ्रेंड्स, आपको अगर ये रेजर और पेंसिल और ये नोट पसंद आई तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। कितना प्यारा पिंक कलर का, और ये अभी न्यू है देखिए, कितना प्यारा लग रहा है ना। अब मैं पेन पेंसिल लिखाती हूँ, इस पे है स्नो वाइट एंड ये है बेला, कितनी प्यारी लग रही है ना पेंसिल, पेन पेंसिल। देखिए ट्राई करते हैं, मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। अगर ये देखते हैं, इसमें ऑलरेडी एक नोक है, मैंने सच में नहीं डाली फ्रेंड्स, पर ये ऑलरेडी इस पे नोक दी गई है। देखिए कितना ब्यूटीफुल चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसके नोट्स दिखाती हूँ, तो सबसे पहले आपको रोज देखने को मिलेगा। ये देखिए रोज अंदर जी है प्रिंसेस, मैं बता देती हूँ, और नोक आपको कुछ ऐसी मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स बैक साइड का देखते हैं कैसा। तो यहाँ 4, उसमें 3 प्रिंसेस थी, इसमें 4 ना। देखिए ये है रोज, बेला एंड एरियल एंड सिंड्रेला। तो उसको ओपन करते हैं, वाह सो ब्यूटीफुल स्केल, देखिए यहाँ जिगजैग जिगजैग बना हुआ है। अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो जिगजैग वाली लाइन बनेगी, ओके यहाँ से बनाएंगे सिंपल है। तो यहाँ से हम इंच देख सकते हैं कि हमको कितनी इंच तक लेना है स्केल से ना। तो ये देखिए कितनी प्यारी है स्केल, मुझे तो बहुत पसंद है स्केल। आपको भी पसंद है तो कमेंट पे लिख के बहुत बताना। और यहाँ लिखा है क्लास, क्लास में 4th में हो तो 4th में लिखूंगी मैं, पर अभी तो ऐसे ब्लैंक रहने दीजिए। और नेम भी लिख दूँ तो ब्लैंक रहने देंगे, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो फटाफट दिखाते हैं, मैं
एक चीज दिखाई भूल गई, ये देखिए यहाँ तो प्रिंसेस की भी साइन है, देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। रख देते हैं फ्रेंड्स। अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको चॉक्स, और यहाँ मेरे पास बहुत कलर्स की हैं, इस पर कम से कम 10 शेड्स अवेलेबल है मेरे पास। तो चलिए एक चॉक ट्राई करते हैं, मुझे पिंक ज़्यादा पसंद है तो मैं पिंक ट्राई करूँगी। देखिए कितना अच्छा है, और मैं आपको थोड़े और कलर्स भी दिखा देती हूँ ट्राई करके। ओपन करते हैं, ओपन करके मैं आपको फिर दिखाऊंगी कि इसके कलर्स कितने अच्छे हैं। हम टू कलर यूज करेंगे, चलिए यूज करते हैं। ये शाइन हो रहे हैं, अच्छे कलर्स फ्रेंड्स बहुत पसंद आई, मेरी फेवरेट है ये, इतने अच्छे चले फ्रेंड्स, तो शाइनिंग भी बहुत है ये फ्रेंड्स, तो मुझे ये शाइनिंग ज्यादा से मुझे बहुत पसंद है ये, तो इसको रखते हैं। तो बहुत अच्छे कलर थे फ्रेंड्स, आपको भी अच्छे लगे तो कमेंट पे लिख कर बताना। अब है मेरे ऑयल पेस्टर कलर कैमल के न्यू, एंड इस पे 25 शेड्स हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैमल के कलर कितने अच्छे हैं ऑयल पेस्टर वाले। तो मैं इसको अपने ड्राइंग में बहुत यूज़ करती हूँ, तो आपने देखा ही होगा कॉटन लेके इसको, तो मैंने बहुत सारी बनाई है इस ड्राइंग्स, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने आपको अपनी स्टडी टेबल की प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मुझे ड्राइंग करना कितना पसंद है, तो मैंने और पेस्टर दिखा दी अपने। तो चलिए कुछ कलर्स ट्राई करते हैं, कितने अच्छे कलर्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके अंदर अलग से एक पेंसिल दिया जाती है, देखिए तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ येलो, लाइट येलो ट्राई करते हैं, वैसे ये लेमन में येलो है। वाओ बहुत अच्छे हैं, देखिए मैं आपका ये ऐसे ऑयल पेस्टर है, तो ये हाथ पे भी लग सकते हैं, इसलिए ये ऑयल पेस्टर है। चलिए कुछ और कलर भी चल ट्राई करते हैं, इसे थोड़ा डार्क है वो लेमन था, तो काफी अच्छे कलर्स में थोड़ा ट्राई करते हैं। इस कलर का नाम है डार्क वॉलेट कलर, और लाइट वॉलेट कलर भी है, तो मैं आपको कुछ बना के दिखाती हूँ, रुकिए वो यूज करी, तो मुझे बहुत पहले से पसंद थे कलर्स, इसलिए मैंने लिए थे। बताऊँ ये मेरी मम्मा ने मुझे मेरे बर्थडे के दिन गिफ्ट किए थे, तो नवंबर 15 को बर्थडे आते हैं, तो मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया था, तो काफ़ी मैं समझू। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ ग्लिटर शेड्स, तो मुझे बहुत पसंद है क्राफ्ट का, तो मैं ग्लिटर शेड्स को यूज़ करती हूँ। देखिए हमारे पास से कलर रेड एंड पिंक कलर है, बहुत शाइनिंग करता है ये, तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए देख कितने शाइनिंग कलर है,
आपकी तस्वीर शाइनिंग है ना, तो बहुत पसंद है मुझे, कितना शाइनिंग है। इसको रख देते हैं इरेजर्स एंड शार्पनर्स। तो चलिए मैं, ये हमें फ्रूट्स वाले रेजर्स, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, और कुछ शार्पनर्स और रेजर। तो मेरे पास अवेलेबल है रेड और ग्रीन, टू कलर्स के शार्पनर है हमारे मेरे पास, एक सिंपल रेजर है मेरे पास। चलिए फ्रूट्स वाले रेजर को ओपन करते हैं, मुझे वेट नहीं हो रहा है, आपको भी नहीं हो रहा है। कितना प्यारा है, फिर से देखिए इसकी सेंट बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, एकदम लगती है। सबकी सेंट अच्छी है, जैसे बस सबकी सेंट मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने, ये मुझे बहुत पसंद है। चलिए मैं सब फ्रूट सबको दिखाती हूँ। तो मैंने चैरी दिखा दी, तो ये अब है वाटरमेलन, जो अभी गर्मी में खाने में बहुत मजा आता है, वही है ये। अब है मेरे पास स्ट्रॉबेरी, इतनी प्यारी है, देखिए कितनी प्यारी लग रही पिंक सी। स्ट्रॉबेरी भी बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरी, तो ये सोचिए, आपको सोचना पड़ेगा आपको क्या ये सोचिए, नहीं समझ आए, ये है पाइनएप्पल येलो कलर का, खाने का तो मन कर रहा पर खा नहीं सकते, रबड़ है। सबसे में इसकी सेंट बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, और आखिरी में आता है ये है लेमन, लेमन है ये दिख रहा होगा। तो इसमें मिनिमम कितने होंगे, 1 2 3 4 5, इसमें फ्रूट्स रेजर हैं 5। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये रेजर, तो डीमार्ट में मिल जाते हैं, तो आप डीमार्ट में जाके ले सकते हो, बहुत अच्छे रेजर हैं ये। पर मुझे सिंपल ही है, मुझे सिंपल पसंद था फ्रेंड्स, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं था कि मैं कार्टून या बॉल का खरीदूँ, मुझे जैसा कोई शौक नहीं था, तो मुझे फ्रूट्स का पसंद, फ्रूट्स मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं फ्रूट्स खरीदा था। और फ्रेंड्स अब मैं दिखाने वाली हूँ आप क्रेयॉन, इसमें 12 शेड्स हैं, कैमल का ये भी, जैसे वो वॉल पेस्टर था कैमल का था, तो ये दोनों कैमल के हैं। चलिए ओपन करते हैं, देखते कैसे कलर्स अंदर के, मुझे वेट नहीं हो रहा, मैं कुछ कलर्स दिखाती हूँ, चलिए ट्राई करते हैं इसको। डार्क पिंक देखिए, ये जो कैमल का कलर था तो मुझे बहुत पसंद आया यूज करने में, तो बहुत स्मूथ चलता है और बहुत अच्छा लगा मुझे कैमल का कलर। तो आपको ये डीमार्ट में मिल जाएगा, तो आप खरीद सकते हो, बहुत अच्छा स्मूथ भी चलता है, तो आपको बहुत काम आएगा ये क्रेयॉन, ये पर बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, आप ले सकते हो, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, अगर आप प्लीज पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट मी, थैंक यू।